Good evening, everyone. So the topic for today's discussion is how to build new habits and get rid of the habits that are no longer useful to us. Yani ki wo aadatein jo aap chhodna chahte hain, unhe kis tarah se aasani se chhoda jaye aur nayi aadaton ko kaise apnaya jaye jo aapke jeevan ko safal bana sakti hai. तो सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं. इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हम जब कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमें मालूम होता है हम क्या कर रहे हैं. जैसे मैं अब आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियसली बात कर रही हूँ. अगर मैं कोई और एग्जाम्पल दूं, जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आप देखेंगे जब वो चलना शुरू करता है तो बहुत संभल के कदम रखता है, या कोई आप नई स्किल सीख रहे हैं जैसे ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप बहुत संभल संभल के गाड़ी को चलाते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है. पर एक ही कार्य को जब हम बहुत बार कर चुके होते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को रिकॉर्ड करता है जिसे हम बार बार करते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर माइंड है. तो जब कोई एक्टिविटी हम बहुत दिन तक लगातार करते हैं तो फिर वो एक इंफॉर्मेशन की तरह हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है जो कि सब कॉन्शियस माइंड में होती है. तब हम ऑटोमेटिकली काम करने लगते हैं. जैसे जब बच्चा चलना सीख जाता है तो वो फटाफट दौड़ने लगता है, उसे पता नहीं चलता कि वो एक एक कदम रखेगा, वो बस दौड़ना शुरू कर देता है. उसी तरह जो लोग ड्राइविंग करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर लेते हैं और उनको फिर हर चीज को हर बार किसी गियर को या किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर काम करने लगता है. तो जब हम कोई भी एक नई आदत सीखते हैं तो क्या होता है कि जब हम किसी काम को लगातार करते हैं फिर वो अपने ऑटो मोड में आ जाती है. तो सपोज अगर मैं किसी ऐसी आदत की बात करूं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल हम चाय की बात करते हैं कि कई लोगों को सुबह उठ के चाय पीने की आदत होती है. डॉक्टर उन्हें मना भी करता है कि आप ये मत पियो, लेकिन वो क्योंकि आदत से मजबूर है तो वो उसे छोड़ नहीं पाते. ऐसे और बहुत सारे एडिक्शन होते हैं, सिगरेट पीना, शराब पीना, जो एक लिमिट से जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो परेशानी का कारण बन जाते हैं. तो वो किस तरीके से होता है कि सपोज आपने उस एक्टिविटी के पीछे इमोशन को क्या ऐड किया था. जैसे जब पहली बार आप किसी ने आपको सिगरेट ऑफर की तो उसने बोला कि देख सब लोग पीते हैं तो तुझे पीना पड़ेगा, तो पीयर प्रेशर में आके आपने उसको शुरू किया. फिर किसी ने ऐसे करते करते आपको बताया कि कभी भी अगर आप स्ट्रेस में होते हो और एक सिगरेट पी लेते हो तो आपको बहुत राहत मिलती है. तो क्या हो गया, दिमाग ने राहत मिलने को सिगरेट से कनेक्ट कर लिया. और आपने ये सपोज कई बार कर लिया तो दिमाग में जो मैसेज गया और स्टोर हुआ वो ये हुआ कि सिगरेट पीने से मुझे स्ट्रेस कम होगा. तो जब भी आप किसी स्ट्रेस में होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको प्रेरित करेगा कि सिगरेट उठा लो. उसी तरह अगर सुबह की चाय से आपको फील होता है कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ तो आप चाय को फ्रेशनेस से जब कनेक्ट कर देते हैं तो जब भी आपको फ्रेश फील करना होगा तो आप एक चाय का कप ले लेंगे. तो इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी आदतें बन जाती हैं. तो मैं आपको, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि हमें उसका रीजन नहीं समझ आता कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. हम बहुत मजबूर हैं, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं. तो इसका एक तरीका होता है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. उसमें आप क्या करेंगे, अपने दिमाग से एक तो हमेशा पॉजिटिवली बात करेंगे. तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग से पूछेंगे किसी भी आदत को लेके कि इसको कराने के पीछे तुम्हारी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है. क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए कि हमारा दिमाग हमारे अगेंस्ट काम नहीं करता, वो हमेशा हमारे फायदे के लिए काम करता है. तो जब आप उससे पूछेंगे कि आपकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, तो आंख बंद करके जो पहली चीज आपके दिमाग में होगी वो कारण होगा आपकी उस आदत का. जैसे औरतों में बहुत आदत होती है स्ट्रेस लेने की, तो अगर मैं स्ट्रेस को कनेक्ट करूं तो हम स्ट्रेस को प्यार से कनेक्ट कर देते हैं.
तो एक्चुअली हम स्ट्रेस नहीं दिखा रहे, हम अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर घर में आने से लेट हो जाए, हम उसके लिए स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो हमारा प्यार है। तो जब भी हमें अपना प्यार दिखाना होता है, तो दिमाग क्या करता है, आपको एक स्ट्रेस की सिचुएशन में डालता है। तो पहली चीज तो ये कि जब हमें कारण पता लग जाए कि ये स्ट्रेस मैं क्यों ले रही हूं, तो उसको दूर करना भी आसान है। तो अब इसको दूर कैसे किया जाता है? दूर हम ऐसे करते हैं कि हम अपने माइंड को, जिस आदत को हम छोड़ना चाहते हैं ना, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट या उसके पेन जो हमको हो सकते हैं फ्यूचर में, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग को दिखाएं। जैसे सपोज मैं बात करती हूँ सुबह चाय पीने की, और आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि चाय को छोड़ना है, तो दिमाग आपका मान नहीं रहा है। तो हमें दिमाग को क्या करना है, कुछ ऐसी इमेजेस देनी है जिसको देखने के बाद या फील करने के बाद दिमाग खुद आपको बोले कि चाय को छोड़ दो, क्योंकि हमारे दिमाग में हर चीज इमेजेस के फॉर्म में स्टोर होती है। तो अब जैसी इमेज हम उसको दिखाते हैं, हमारा दिमाग उसको सच मान लेता है, उसको इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं पता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप लगातार 10 साल तक सुबह उठ के चाय पीते रहें, तो उसके आपके हेल्थ के कितने नुकसान हो सकते हैं, अल्सर हो सकता है, और अगर स्टमक ठीक नहीं होता तो बॉडी में कोई भी पार्ट ठीक नहीं होता। तो उस चीज को आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि किस हद तक आपकी सेहत खराब हो सकती है, और सेहत खराब होने के और बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, परिवार के लिए एक परेशानी बन जाते हैं, हर दिन अस्पताल जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें जब आप इमेजिन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग को ये लगेगा कि नहीं, चाय पीना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि दिमाग का काम आपको हमेशा कंफर्टेबल करना होता है। तो अगर दिमाग को ये लगेगा कि इस आदत से आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो वो आपको उस आदत को छोड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। फिर सेकेंड चीज आप ये कर सकते हैं कि उसे ऑप्शन दीजिए। जैसे सपोज आपने ये एक्सरसाइज की, लेकिन इतने नुकसान जानने के बावजूद आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ठीक है, मैं चाय पीऊंगी लेकिन 1 घंटे के बाद, या फिर अगर चाय पीने की बजाय मैं सैर करने जाऊं तो क्या मैं वैसे ही फ्रेश फील कर सकती हूँ। तो आप अपने दिमाग को 3-4 ऑप्शन दीजिए। अब इसी तरह मैं एक स्ट्रेस की आदत के लिए आपको 1-2 ऑप्शन दे सकती हूँ कि अगर बच्चा घर लेट आया और आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं इस बात के लिए, तो कुछ नेगेटिव सोचने की बजाय अपने ब्रेन को ये ऑप्शन दीजिए कि हो सकता है कि बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास हो गई हो, या उसकी बस छूट गई हो, या रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई हो, जिससे कि आपका दिमाग एक पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करे। तो दो चीज होती है किसी भी नेगेटिव आदत को छोड़ने की, एक तो उसके पेन्स को अपने दिमाग में बढ़ाइए, और सेकेंडली उसको ऑप्शन दीजिए कि अगर मैं ये नहीं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। तो जब हम दिमाग को ऑप्शन देते हैं, तो वो इजिएस्ट ऑप्शन आपको चूज करके वापस देगा, यानी कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी, जिसमें सबसे कम पेन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिमाग का काम आपको खुश रखने का है। तो जिस भी चीज में उसको लगेगा सबसे कम पेन है, वो ऑप्शन आपको देगा। इसलिए अपने दिमाग से पॉजिटिवली बातें करें, और आप देखेंगे कि इन आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, रिपीट कर दूं, कि नेगेटिव आदत को छोड़ने के लिए उसके पेन्स को बहुत ज्यादा मन में इमेजिन करके बढ़ाइए, गेन्स को कम कीजिए, उसके फायदे को उसी तरह से कम कीजिए, और अपने ब्रेन को ऑप्शन दीजिए कि इसकी बजाय मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे अगर किसी को सिगरेट की लत है, तो अपने दिमाग को पूछिए कि क्या मैं किसी दोस्त को अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं सिगरेट को अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि बेसिकली स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही आप उस लत को ले रहे हैं। तो वो तो किसी से बात करके भी स्ट्रेस कम हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि चलिए मैं अब नहीं, मैं 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद। इस तरीके से आप इस आदत को डिले कर सकते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करेंगे कि इसको छोड़ भी सकते हैं। अब बात आई नई आदतों को सीखने की, तो जब हमें कोई नई आदत सीखनी है, एग्जाम्पल सुबह उठना या सुबह उठ के पढ़ना, या अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना, जो काफी लोगों के लिए मुश्किल काम होता है, तो उस आदत के फायदों को अपने दिमाग में बढ़ा चढ़ा के देखिए। जैसे अगर आप इमेजिन कीजिए, आप रोज अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके सोचिए कि आप कितने
स्वस्थ लगने लगेंगे, आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, आप काम कितना एक्टिवली कर पाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर बंद हो जाएंगे। तो जितना आप खुद को एक पॉजिटिव तरीके से इमेजिन करेंगे तो ब्रेन को ये एक मिलेगी ये कि हाँ मुझे ये आदत को अपनाना है क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदे हैं, इससे मेरा कंफर्ट बढ़ेगा। तो इन चीजों को आप बहुत बढ़िया से सुंदर से इमेजिन कीजिए, खुद को एक अच्छी खूबसूरत ड्रेस में देखिए और देखिए कि आपकी हेल्थ ठीक होने से आपके हर क्षेत्र में कितना अच्छा फर्क आया है, पर्सनल रिलेशनशिप में, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली परिवार में सब लोग खुश रहेंगे। तो इन चीजों को बढ़ाइए। और एग्जाम्पल, अब सुबह उठना आसान काम नहीं है तो उसके कुछ पेन्स भी हैं, यानी कि सुबह कैसे उठा जाए या एक्सरसाइज कैसे की जाए, तो उनके जो पेन है उनको छोटा कीजिए। यानी कि अगर सुबह उठने में आलस आता है तो आप बोलिए कि मैं रात को बहुत जल्दी सो जाऊं जिससे कि मुझे सुबह उठने में आसानी हो, या अगर कोई नई एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आप ऑप्शन दीजिए कि ठीक है मैं आज 10 मिनट से स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे उसको बढ़ाऊंगी। तो जितने ऑप्शंस आप देंगे ब्रेन को, उसमें से इजिएस्ट ऑप्शन वो चुन के आपको वापस देगा और आपको नई आदत बनाना आसान हो जाएगा। ये नई आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं, क्योंकि कोई भी सफल इंसान वो अपनी आदतों के कारण ही सफल होता है। तो अगर आप अपने जीवन को एक बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, यानी एक सफल इंसान में खुद को इमेजिन करेंगे, वो इमेजेस अपने दिमाग को देंगे, तो आपका दिमाग उसको पूरा करने के लिए काम करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे लिए उतनी ही चीजें अचीव करता है जिसकी उसको इमेज हो। यानी आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के जीवनी उठा के पढ़ें या उसकी स्पीच को सुने, वो हमेशा ये बात बोलता है कि मैंने इस क्षण को पहले इमेजिन किया है। एग्जाम्पल, अगर किसी प्लेयर को कोई ट्रॉफी मिलती है, आप उसकी बात सुनिएगा, वो हमेशा बोलेगा कि इस पल को मैं अपने दिमाग में 100 बार 1000 बार इमेजिन कर चुका हूँ। तो वो इन चीजों को ऐसे ही अचीव नहीं करते, इमेजिनेशन को इतना वो प्ले करते हैं कि उनके दिमाग को वो सच लगने लगती है बात, और फिर वो उसको पूरा करके दिखाता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी आदत को बनाने में 4 स्टेजेस आती हैं, या नई आदत को अगर बोले पुरानी आदत को छोड़ने से नई आदत तक पहुंचने में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है अनकॉन्शियसली अनअवेयर, मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी भी ऐसी कोई आदत है जो हमारे काम की नहीं है, मतलब हमें मालूम ही नहीं है कि आदतें बनती कैसे हैं या उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियसली अनअवेयर। फिर सेकेंड स्टेज आती है कॉन्शियसली अनअवेयर, जैसे अगर आप मेरी बात अब सुन रहे हैं तो आपको आज पता लगेगा कि कुछ बातें मुझे पता ही नहीं थी, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी आदतों को बदला जाता है, लेकिन अब इसको सुनने के बाद मुझे पता है कि आदतों के पीछे की साइंस क्या है। तो इसको कहते हैं कॉन्शियसली अनअवेयर। फिर जब आप कोई आदत बनाना शुरू करते हैं उस स्टेज को कहते हैं कॉन्शियसली अवेयर, मतलब मैं नई आदत बनाना सीख रही हूं तो मुझे उसको कम से कम 21 दिन तक फॉलो करना पड़ेगा, तो कॉन्शियसली मैं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठना हो तो मैं रोज 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी, या फिर मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो मैं एक ड्राइविंग स्कूल में जाके बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना सीखूंगी जब तक कि मुझे वो ठीक से चलानी नहीं आती। तो वो जो लास्ट स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियसली अवेयर, मतलब हमारी नई आदत अब बन चुकी है, अब हमें उसको हर वक्त उसके बारे में अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। जैसे गाड़ी एक बार जो इंसान अच्छी तरीके से सीख लेता है तो उसको हर बार गियर लगाते टाइम वो उतना उसको ध्यान देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर हो चुकी होती है। तो अगर हम इन नियमों को अपनाएं तो हम कोई भी पुरानी आदत जो हमारे किसी काम की नहीं है उसे आसानी से छोड़ सकते हैं और नई आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। धन्यवाद।